हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 के बारे में। ठीक है, तो तारीख की घोषणा आपके शिक्षा मंत्री ने कर दी है, तो किस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि यूपी बोर्ड की जो आपके रिजल्ट की डेट क्या आई है, ठीक है, और कैसे आप रिजल्ट अपना आसानी से अपने फोन पे निकाल सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपना रिजल्ट आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करें कि रिजल्ट की आपकी डेट क्या आई है। ठीक है, तो जैसा कि आपका को पता है कि आपकी कॉपियों की जो चेकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कॉपियां आपकी चेक हो चुकी है और उनका मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो चुका है, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। होली के बाद 18 मार्च से आपकी कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आपको नंबर मिलने शुरू हो गए हैं। काफी बच्चों की गलतियों के कारण उनके नंबर भी काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि कॉपियों में क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत काटा पीटी कर रहे हैं और पैसे भी लगा रहे हैं, तो इससे उनके नंबर काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो जो आप की कॉपियां 18 मार्च से स्टार्ट हो गई चेक होना और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलने वाली है। ठीक है, कुल 58 लाख परीक्षार्थियों ने पेपर दिए थे। ठीक, तो रिजल्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? तो देख सकते हैं आप, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश की ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना आसानी से रोल नंबर डाल के रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ बताएंगे कि इस लिंक पे आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे आपको इसको खोलना है और रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली uprizult.nic.in करके सर्च मारना है। क्या लिखना है? uprizult.nic.in करके आपको टैप करना है, जिससे अगर इसको लिख के आप सर्च करते हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, कई सारी लिंक्स आपको दी होंगी। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली वेबसाइट पर टैप करके इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये इंटरफेस खुल के सामने आता है तो इसमें क्या होता है, दो टाइप्स दिए होते हैं, पहले हाई स्कूल के लिए दिया होता है, फिर इंटरमीडिएट के लिए दिया होता है। अगर आप हाई स्कूल में तो हाई स्कूल वाले में टैप करिए, इंटरमीडिएट में तो इंटरमीडिएट में टैप करके आप रोल नंबर भर के आसानी से अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।